नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। आज हम एक बहुत ही हाईली डिमांडेड टॉपिक लाए हैं इस चैनल पे, और मैं एक चीज़ आपको फिर से बता दूँ, बस यही चैनल पे आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के बारे में। इस वीडियो में हम हमारे दो दोस्तों को लाए हैं, मनस्विनी और अनुष्का, और हम बात करने जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, कैसे अलॉटमेंट मिलता है, कैसा है हॉस्टल लाइफ एंड ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वेलकम टू द चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में अलॉटमेंट कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस रहते हैं, अगर आप बताते हो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले यूजी एचजी की साइट पे यूजुअली फॉर्म रिलीज होता है एडमिशन्स, लाइक जब आपकी सेमेस्टर एडमिशन्स होती हैं उसी वक्त, तो आपको वो फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है हॉस्टल में। वंस योर फॉर्म इज सबमिटेड, फिर जब सारे फॉर्म सबमिशन हो जाते हैं, तो जिस बच्चे की, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हर कॉलेज की कुछ सीट्स रिजर्व्ड है, वो किसी पर्टिकुलर कॉलेज का हॉस्टल नहीं है, वो डीयू का सेंट्रल हॉस्टल है जहाँ पे कॉलेजेस की सीट रिजर्व्ड है। सो अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स इन द सीयूईटी एग्जाम, अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, फर्स्ट सेम में जा रहे हैं, और लेटर ऑन अगर आप सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेम में जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स वहाँ मेरिट डिसाइड होती है कि हु ऑल आर यू नो गोइंग टू गेट द हॉस्टल, और देन द लिस्ट कम्स, और जब लिस्ट आ जाती है तो आपको बुलाया जाता है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे वार्डन होती हैं, ऑल द हॉस्टल कीपर्स आते हैं, जो भी आपके केयर टेकर्स हैं वो होंगी, आपके गार्डियन होंगे, एंड यू विल हैव अ डिस्कशन विद देम, दे विल ब्रीफ यू अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट विद इन लाइक 1 week और 2 अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, कि आप कहाँ, मतलब कब आप शिफ्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली सीयूईटी स्कोर के ऊपर पहले शॉर्ट लिस्ट होता है, और उसके बाद इंटरव्यू लिए जाते हैं, जिसके बेसिस पे जैसे कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड एवरीथिंग वो जज करके फिर सीट अलॉटमेंट होता है। अच्छा ये बताओ, कितने टाइम बाद अलॉटमेंट आता है हॉस्टल के एडमिशन से? लाइक आवर कॉलेज स्टार्टेड ऑन 16th August 2023, उसके कितने टाइम बाद आप लोगों को हॉस्टल अलॉटमेंट फाइनली मिल गया था? जैसे हमारे साथ क्या हुआ था कि 16th August को शुरू हो गया था कॉलेज, तो विद इन 1 week हमने फॉर्म्स भर दिए थे, एंड फर्स्ट लिस्ट हो चुकी थी, सेकंड लिस्ट में हम लोगों का अलॉटमेंट हुआ था, एंड विद इन 15 days हम लोग शिफ्ट हो गए थे। ओके, और इसका मतलब जब तक अलॉटमेंट नहीं मिलता, हमारे व्यूअर्स को बता दूँ, आपको आइदर यू कैन स्टे विद अ रिलेटिव और यू कैन अरेंज फॉर सम पीजी और अ रूम, ये इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हमें देखने को मिलता है। हॉस्टल की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है फॉर यूजी एचजी? फीस हॉस्टल की हमारे 80,000 एनुअल फीस है, जिसमें से जो मेस चार्जेस हैं अगर आप हॉस्टल बीच में छोड़ते हो तो वो रिफंडेबल होते हैं, बट जो बाकी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, आपका अकोमोडेशन चार्जेस, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। मतलब इंक्लूसिव ऑफ मेस इट इज 80,000 पर एनम, राइट? या इंक्लूसिव ऑफ द अकोमोडेशन एज वेल एज मेस। और आप सबको डबल रूम्स मिलते हैं इन यूजीएचजी, डबल शेयरिंग रूम्स। थोड़ा फैसिलिटीज के बारे में बताइए जो आपको दिए जाते हैं। फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अलग से नहीं पे करना, वो इसमें इंक्लूडेड है, बट हाँ, देयर विल बी ओनली अ फैन, चार्जिंग पोर्ट होगा, लाइट होगी। अगर आप एक्स्ट्रा कूलर रखना चाहते हो गर्मी के लिए, देन यू हैव टू पे सम एडिशनल चार्जेस फॉर इट, और आपको वो खुद परचेज करना होगा, वो हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता। वाईफाई रूम्स में अवेलेबल नहीं है, कॉमन रूम है वहाँ पे, वो आप जाके एक्सेस कर सकते हो, लाइक देयर आर सम कॉमन रूम्स जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तो वहाँ। और बाकी जो आपके रूम है वहाँ पे भी टेबल्स, स्टडी टेबल्स एंड ऑल वो प्रोवाइडेड होते हैं? रूम में कबर्ड है, एक लॉकर है, टेबल है और बेड अवेलेबल है, और फैसिलिटीज़ हैं, स्टडी रूम जैसा मैंने बताया वो है, प्लस एक जिम है, एंड मेस फैसिलिटीज़, एंड ग्रीन एरिया काफ़ी है, लॉन्ड्री फैसिलिटी भी अवेलेबल है, एक टक शॉप भी है अगर आप कुछ कंफेक्शनरीज या कुछ ज़्यादा एसेंशियल्स वहाँ पे मिल जाते हैं। और लॉन्ड्री के केस में आपको खुद धोना होता है या आप कपड़ों को लाइक सबमिट कर देते हो किसी को, वो आपको करके वापस दे देते हैं? सबमिट कर देते हैं। पर मंथ 2 या 3 स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, उनमें हम अराउंड 10-20 क्लोथ्स
वॉश करवा सकते हैं. लाइक देयर आर स्पेसिफाइड नंबर है कि कितने एक स्लॉट में कितने क्लोथ्स दे सकते हो. अगर ज़्यादा होंगे तो यू हैव टू पे फॉर इट, 5 to 10 rupees एक्स्ट्रा पर. ओके, लाइक प्रीटी डिसेंट इवन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. हो जाता है नॉर्मली सबका. चलिए आप अभी हम खाने की बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाते हैं, स्पेशली जब बच्चे अपने घर छोड़ के कहीं दूर आते हैं पढ़ाई करने. सो फूड इज़ ऑलवेज एन इशू. तो खाने के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा खाना आपको मेस में दिए जाते हैं और आपको कैसा लगता है वो खाना. पर डे 4 meals होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर. इसके साथ साथ पैक्ड लंच की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो अपने साथ लेके जा सकते हैं ना. और खाने की क्वालिटी इज़ गुड एंड वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ पे. लाइक जो वेंसडे संडे इन डेज में वेज नॉन वेज दोनों मिलता है. एंड लाइक वंस इन अ मंथ देयर इज अ स्पेशल डिनर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड लाइक मेस क्लीनिंग से पहले की रात को. टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज गुड एंड डाइट पूरा मिलेगा. इट्स नॉट लाइक इफ यू आर पेइंग यू आर नॉट गेटिंग. अच्छा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर पूछूं, जैसे IIT से NIT में स्टूडेंट्स ही होते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स जो मेस को मैनेज करते हैं, क्या यहाँ भी वही चीज़ होता है या यहाँ पे कैटरर को बुलाए जाते हैं अलग से? या कैटरर्स होते हैं, राइट? ओके. और इसके अलावा ओवरऑल हॉस्टल लाइफ, जैसे फ्रीडम वाइज, क्योंकि हमें पता है दिल्ली में ये एक चीज़ होता है कि गर्ल्स हॉस्टल या गर्ल्स PG में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, सो लाइक सेफ्टी के लिए और ये सब. और आपने ये भी कहा था कि ग्रीनरी है, गार्डन्स हैं, तो ओवरऑल फ्रीडम वाइज कैसा आप फीडबैक देंगे इस हॉस्टल को? ओवरऑल जैसे हॉस्टल लाइफ की बात करें विद इन हॉस्टल, तो एरिया काफ़ी बड़ा है, ग्रीन है, तो अच्छा रहता सब कुछ. देन फ्रीडम की अगर बात करें तो जो बाहर जाने का टाइम है वो रिस्ट्रिक्शन है, 8 o'clock तक हम बाहर जा सकते हैं एंड 10 PM तक हमें वापस आना होता है. इसके साथ साथ हम लेट नाइट का भी वो ले सकते हैं, 11 o'clock तक आपको अलाउ करेंगे, लिबर्टी ले सकते हैं. वो हमें हमारी एक पर्सनल डायरी होती है जिसमें वो सब कुछ नोटेड उसका रिकॉर्ड होता है, लीव्स वगैरह का. तो इट्स लाइक आई वुड से इंडिपेंडेंस भी है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट दे आर सम एसेंशियल सिक्योरिटी मेजर्स जो हॉस्टल काफ़ी अच्छी तरह फॉलो करता है. लाइक अगर बच्चा लीव पे जा रहा है तो उसकी प्रॉपर एंट्री होगी, वार्डन से साइन होगा, वो आपको मना नहीं करेंगे व्हाई यू आर गोइंग, बट दे जस्ट वांट टू कीप अ रिकॉर्ड दैट अगर बच्चा हॉस्टल में नहीं है तो दे शुड नो अबाउट इट. और अगर आप लीव से आ भी रहे हो तो यू हैव टू ब्रिंग योर यू नो उस लीव बुक पे आपके गार्डियन या जिसके भी घर आप गए थे उसका साइन होना चाहिए एंड देन यू हैव टू गेट इट क्रॉस साइन बाय द वार्डन अगेन. In addition to this, हमारी रोज अटेंडेंस भी होती है डिनर के टाइम पे 8 o'clock onwards, तो वो मार्क करनी होती है. तो इस पे मैं व्यूअर्स को यही कमेंट दे पाऊंगा कि ऐसा काम करो ही मत कि आपको छुपाना पड़े कोई चीज, सीधे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. और विजिटर्स अलाउड होते हैं, जैसे आपके घर वाले आपसे मिलने आए या कोई फ्रेंड्स मिलने आए, दे आर अलाउड? हाँ, मेल विजिटर्स का विजिटिंग टाइम है एंड एक स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ तक वो मिलने आ सकते हैं. फीमेल विजिटर्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो हमारे साथ रह सकते हैं. टू पे सम एक्स्ट्रा, पे 200 पर डे एंड दे कैन लिव विद अस फॉर सम टाइम. एक एडिशनल आई वुड लाइक टू ऐड, एक फैसिलिटी और अवेलेबल है, देयर इज पेंट्री रूम जहाँ पे आपको एक इंडक्शन दे प्रोवाइड. सो अगर आपके पास अपना वेसल है और आप थोड़ा बहुत कुक करना चाहते हो तो आप वहाँ कर सकते हो, बट दैट इज़ अ कॉमन फॉर ऑल, वो आपका पर्सनल नहीं होगा. और इसके साथ साथ जो आइटम्स ऐसे भी हैं जो अलाउड नहीं हैं, जैसे आयरन, हेयर स्ट्रेटनर, इंडक्शंस, मतलब ऐसे आइटम्स जिनसे आग लग सकती है वो अलाउड नहीं है अपने पास रखना. तो बेसिकली जब आप लॉन्ड्री में कपड़े देते हो वहीं से आयरन होके वापस आ सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बोलूँगा कि आप रेटिंग दो आउट ऑफ 10, और जो अपकमिंग जूनियर्स हैं उनको क्या कहेंगे कि शुड दे ऑप्ट फॉर अ हॉस्टल और शुड दे आल्सो कीप अदर ऑप्शंस इन देयर हैंड एंड व्हाटएवर. सी, ऑप्शंस रखना ज़रूरी है फॉर रीजन दैट इफ यू माइट नॉट गेट ड्यू टू मैरिट रीजन, बट अगर आपको मिलता है हॉस्टल सो आई वुड से या दे शुड गो फॉर इट, बिकॉज दिल्ली में PGs इन फ्लैट्स में भी यू वॉन्ट गेट सो मच एरिया टू वर्क आउट.
ठीक है, आप एक सिक्योर रीजन जहाँ पे कार्स प्रॉपरली अवेलेबल है वहाँ पर आराम से आप घूम सकते हो, यू कैन सिट देयर, यू कैन हैव योर टाइम, सो दैट इज़ द। एंड रेटिंग की बात करें तो थोड़ा मेंटेनेंस और रिक्वायर्ड है हॉस्टल्स के लिए फिलहाल, मतलब वर्क इज़ गोइंग ऑन बट इतना भी हुआ नहीं है। आई वुड रेट इट लाइक अराउंड 8 out of 10, 8 out. Like always, a scope for improvement. Yeah, there is. All right. There is. So thank you for joining us on our channel. और मैं श्योर हूँ बहुत मदद मिलेगा हमारे जूनियर्स को इस वीडियो से, और या थैंक यू फॉर द वीडियो।